Hey everyone, this is Meenakshi and welcome back to my YouTube channel. आज हम आए हैं वेटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए अटारी वाघा बॉर्डर पर, जो कि इंडियन BSF और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच में हर रोज़ यहां पर होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि अटारी वाघा बॉर्डर जाने के लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और आपको ये फैसिलिटीज़ कहाँ से मिलेगी। अटारी जाने के लिए आप यह डबल डेकर बस की टिकट बुक करवा सकते हैं, जिसके टिकट काउंटर्स आपको गोल्डन टेंपल के पास ही मिल जाएंगे। और साथ ही आप शेयरिंग ऑटो या टैक्सीज भी बुक करवा सकते हैं। इस बस का फेयर सिर्फ 400 से 450 रुपीज़ है और अगर आप शेयरिंग ऑटो लेते हैं तो फेयर 150 से 200 रुपीज़ पे करना होता है। तो चलते हैं अटारी वाघा बॉर्डर। अटारी वाघा बॉर्डर जलियांवाला बाग और गोल्डन टेंपल से करीब 30 किलोमीटर दूर है। हम अटारी वाघा बॉर्डर ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, जिसका मेन रीज़न यह है कि हमें होपन ओपो बस सर्विस के बारे में पहले बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जिस बारे में हमें हमारे को पैसेंजर्स ने बताया। एंड वी फील दैट दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ आर ट्रिप। एनीवेज वी एन्जॉयड इन ऑटो रिक्शा ऑल्सो। ऑटो रिक्शा और टैक्सी बुक करते टाइम ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर आप ज़रूर लें और साथ में कोई हिडन चार्जेज है तो वह उनसे कन्फर्म कीजिए। साथ ही जो एडवांस पेमेंट आप करते हैं तो वो एक स्मॉल अमाउंट आप उन्हें पे कीजिए। हमारा फ्लैग हमें यहाँ से लहराता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हम अटारी पहुँच गए हैं। इस ऑटो रिक्शा पार्किंग में ही लोकल स्टॉल्स बने हुए हैं। कुछ सामान आपको अंदर ले जाना मना है तो आप वह सब चीज़ें यहीं पर जमा करवा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि जो चीज़ें अंदर ले जाना अलाउड नहीं है वो आप यह वीडियो देखने के बाद अटारी जाते हुए लेकर ही ना जाए, जिसमें इंक्लूड है ईयरबड्स, पावर बैंक, चार्जर, फ्लेमेबल थिंग्स, लिक्विड थिंग्स जिसमें पानी की बोतल भी इंक्लूड है, और साथ में ईटेबल। कुछ भी खाने पीने की चीज़ आप अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन हाँ, आप मोबाइल, कैश, आईडी प्रूफ, कैमरा और ट्राइपॉड अंदर ले जा सकते हैं। यह पर्सनल व्हीकल और बस पार्किंग है। ऑटो रिक्शा पार्किंग करीब यहाँ से 500 से 700 मीटर की दूरी पर है। परेड सेरेमनी करीब 5 बजे शुरू होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से एंट्री 3 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है। पार्किंग एरिया से अंदर का रास्ता करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का है और इस रास्ते में आप बहुत सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, लाइक आप फ्लैग बनवा सकते हैं। बहुत सारी स्टॉल्स रास्ते में आती है जहां पर आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। इसे अटारी वाघा बॉर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की तरफ आते हुए वाघा पाकिस्तान का अंतिम गाँव है और भारत की ओर से पाकिस्तान जाते हुए अटारी भारत का अंतिम गाँव है, इसलिए इसे अटारी वाघा बॉर्डर कहा जाता है। और यहाँ होने वाली परेड सेरेमनी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है, जो कि हर रोज BSF इंडियन BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच होती है। यह भारत का स्वर्ण जयंती द्वार है और VIP सीट पास से एंट्री इसी गेट से होती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंटिल द सेरेमनी स्टार्ट्स, अदर एक्टिविटीज़ लाइक स्पीच, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, फ्लैग मार्चिंग, डांस, फोटोग्राफी आदि एक्टिविटीज़ यहाँ होती है। जो चेयर्स लगी हुई है वह VIP सीट्स है और यह इंडिया पाकिस्तान गेट के बिल्कुल पास में ही है। तो हमें फाइनली VIP सीट मिल गई है और हम बात करेंगे कि VIP सीट के लिए कैसे अप्लाई करें और यह किसे मिलती है।
तो वीआईपी सीट मिलती है सीनियर ऑफिसर्स को, आर्मी मैन की जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हें, फॉरनर्स आफ्टर शोइंग देयर पासपोर्ट एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल को, और जनरल पब्लिक जो है अपनी रिटर्न एप्लीकेशन वीआईपी सीट पास के लिए गेट नंबर 3 में सबमिट करवा सकते हैं। और यह रिक्वेस्ट लेटर आपको सुबह 10 बजे या फिर एक दिन पहले आपको गेट नंबर 3 में अपने आईडी प्रूफ के साथ सबमिट करना होता है। एंड देन दे विल प्रोवाइड यू वीआईपी पास इफ अवेलेबल। एंड द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी स्टार्टेड, लेट्स एंजॉय। हमें आप सभी के बीच बीएसएफ का थीम सॉन्ग बजने जा रहा है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर बैठकर इस थीम सॉन्ग को गुनगुनाने का कष्ट करें।
तो यह थी कंप्लीट टूर गाइड अटारी वाघा बॉर्डर सेरेमनी की। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।